हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंग स्ट्रॉन्ग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले रोपिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रोपिंग कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोपिंग के फर्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं रिस्ट रोटेशन। रिस्ट रोटेशन दोस्तों क्या होता है कि जो रिस्ट रोटेशन का कोऑर्डिनेशन होता है वो एक साथ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक चौक लेंगे और एक रस्सी को पकड़ते हुए गोल सर्कल बनाएंगे। देन रिस्ट का मूवमेंट, जो आपको ये रस्सी दिख रही है इसके अपोजिट में कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जब रिस्ट रोटेशन आपका प्रॉपर वे से होगा तभी आपके रोपिंग का कोऑर्डिनेशन बैठेगा। दोस्तों, वन साइड करने के बाद दूसरी साइड से भी आप रिस्ट रोटेशन करेंगे। इस तरह आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों साइड से रिस्ट रोटेशन होने के बाद सेकंड स्टेप, जिसमें अपन जिग जैक वाला जंप करेंगे, किस तरह देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जिग जैक जंप करने के बाद जिग जैक जंप में अपन वेरिएशन चेंज करेंगे, जिसमें दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने पंजों पे नॉर्मल जंप करना है। और ये जंप आपसे के 50 से 100 टाइम होना चाहिए, बट आपको ये ध्यान रखना है दोनों पाँव के घुटने बैंड नहीं होने चाहिए। दोनों पाँव के घुटने को सीधा रखते हुए पंजों पे जंप करेंगे। दोस्तों, कमर पे हाथ रखकर जंप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रोपिंग का, आपको दोनों हाथों की कलाइयों में रोपिंग को पकड़ते हुए दोनों रिस्ट को रोटेशन करते हुए फॉरवर्ड की तरफ जंप करना है। दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कंटिन्यू रोपिंग नहीं करते हुए वन बाय वन रोपिंग करनी है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है जहां आपका जंप हो रहा है वो फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, जंप करते हुए ये ध्यान रखना है अपने दोनों पांव के घुटने सीधे रहने चाहिए। दोस्तों, फॉरवर्ड जंप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रिस्ट रोटेशन विद फॉरवर्ड जंप होगा, जिसमें आपको रिस्ट को रोटेशन करते हुए कंटिन्यू रिस्ट रोटेशन होनी चाहिए, पर जंप एक वन बाय वन ही होगा। दोस्तों, फॉरवर्ड जंप एंड रिस्ट रोटेशन करने के बाद अब आपको ऑन द ग्राउंड जहां आप खड़े हैं वही कंटिन्यू जंप करते हुए रिस्ट रोटेशन करते हुए रोपिंग ट्राई करें। दोस्तों, आप कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम में आपसे 5 to 10 होंगे, नेक्स्ट 50 to 20। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे इसमें इंक्रीजिंग होती रहेगी। देखेंगे किस तरह। आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह मैं अपना रिस्ट रोटेशन करते हुए अपने पंजों पर ऑन द ग्राउंड जंप कर रहा हूं और साथ ही साथ अपने रिस्ट को भी घुमा रहा हूं।